ये साला बहुत खतरनाक चीज है यार। जी बी व्हाट्सएप आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिमांडेड एंड पॉपुलर एप्लीकेशन है, लेकिन क्यों है, मतलब क्यों लोग ओरिजिनल व्हाट्सएप को छोड़ करके जी बी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं जबकि दोनों को इस्तेमाल करना फ्री है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है फीचर्स। फीचर्स नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फीचर्स हैं। जैसे कि हमने किसी को मैसेज किया, ठीक है, वन टिक आता है सेंड करने का, डबल टिक का मतलब डिलीवर हो गया, और ब्लू टिक का मतलब होता है यानी कि उसने रीड कर लिया। लेकिन दोस्तों जीबी व्हाट्सएप में इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी ने हमको 4 दिन पहले मैसेज किया, हमने उसको साथ के साथ पढ़ लिया, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। जब हम उसको बाद में रिप्लाई करेंगे तब उसको ब्लू टिक शो होगा, तब उसके पास हम रिप्लाई करेंगे, उसको लगेगा कि यार भाई है ये तो साथ के साथ रीड करता, देखते ही रिप्लाई कर दिया, धोखा दिया है हमने उसे। कोई हमको भी देता होगा। कोई भी आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ऑनलाइन आता है, उसके लिए आपने बार बार जाके चेक नहीं करना कि वो ऑनलाइन आया या नहीं, उसके ऑनलाइन आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही किसी ने स्टेटस लगाया है, हम उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हमने उसको देख लिया है। बेशक से 2 मिनट बाद इंस्टेंट अपलोड करने के बाद उसने उसे डिलीट कर दिया, तब भी हम उसे देख सकते हैं। किसी ने हमको मैसेज कर दिया, डिलीट कर दिया, तब भी हम उसको देख सकते हैं। डिलीटेड मैसेजेस एंड स्टेटस को हम देख सकते हैं। और ये चीज़ पर्सनल चैट और ग्रुप्स में दोनों जगह पे अप्लाई होती है। हमारा जो लास्ट सीन है उसको फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि अभी मैं 12 बजे दिन के ऑनलाइन हूँ, 4 दिन बाद भी अगर कोई देखेगा तो मेरा लास्ट सीन 4 दिन पहले 12 बजे ही दिखाई देगा। चैट को आर्चीव कर सकते हैं, यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद पैटर्न लॉक्स लगा सकते हैं और चैट को वहाँ पे जाके हाइड कर सकते हैं। बहुत पहले मैं हाइक यूज़ करता था, उसमें भी ये फीचर होता था, अभी का मुझे पता नहीं है। बेसिकली व्हाट्सएप को एरोप्लेन मोड पर डाल सकते हैं, जैसे होता है ना कि आईफोन में हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के मोबाइल डेटा को ऑफ कर देते हैं, ऐसा ही कुछ। थीम्स लगा सकते हैं, डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट में अपना नाम लिख सकते हैं। इवन कई दिन बाद किसी का बर्थडे है, हमको विश करना शायद याद ना रहे, तो हम मैसेजेस को स्केड्यूल कर सकते हैं। माय गॉड, है ना कमाल के फीचर। और भी हैं, जैसे कि हम किसी को अभी नॉर्मल व्हाट्सएप पे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो ऊपर लिखाता है ना फॉरवर्डेड, उसको पता चल जाता है कि इसने कहीं से उठा के मेरे पास फॉरवर्ड किया है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को भी जीबी व्हाट्सएप में कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि फॉरवर्डेड लिखा नहीं आएगा। ये साला बहुत खतरनाक चीज़ है यार। किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए अगर आपने अपने लास्ट सीन को, अपनी प्रोफाइल को हाइड करना है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। अभी तो शायद व्हाट्सएप ने भी इस तरह के फीचर्स को ऐड कर लिया है, लेकिन जीबी व्हाट्सएप में ये चीज़ें पहले से हैं। व्हाट्सएप की जो लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो कुल मिला के जीबी व्हाट्सएप ने जो है बड़े ही कमाल के फीचर दिए हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल कि जो लोग जीबी व्हाट्सएप को मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं ये फीचर्स देखने के बाद या फिर कहीं से सुना है, तो एक सबसे जरूरी सवाल कि क्या जीबी व्हाट्सएप को यूज करना सेफ है, सही है, या फिर लीगल है या इलीगल। तो देखो बेसिकली जीबी व्हाट्सएप ओरिजिनल व्हाट्सएप का नहीं है, यानी कि जो मेटा कंपनी है, ये क्लोन वर्जन है, यानी कि ओरिजिनल व्हाट्सएप के सोर्स कोड में चेंजेस करके, उसके पैटर्न को कॉपी करके, और जो भी पर्टिकुलर गैप्स थे लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, कपल्स की, किसी भी बड़े या छोटी एज के जो लोग हैं उनकी जरूरतों को देखते हुए इन फीचर्स को ऐड किया है और तब बनाया गया है जीबी व्हाट्सएप। तो बेसिकली ये इल्लीगल चीज़ है, क्योंकि किसी भी ऐप का क्लोन वर्जन बना के इस्तेमाल करना, लॉन्च करना इल्लीगल है। रही बात लॉन्च करने की, तो देखो प्ले स्टोर पे ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गूगल ने इसको बैन कर रखा है, ये खराब एप्लीकेशन है उनकी नज़र में। याद है जब 4G की स्टार्टिंग हुई, जब हम अपना डेटा बचाने की कोशिश करते थे, उस टाइम पे एक एप्लीकेशन चलन में आई थी स्नैपट्यूब, जिसका काम था वीडियोस को डाउनलोड करना। अब देखो YouTube गूगल का है और प्ले स्टोर भी गूगल का है, तो गूगल नहीं चाहता कि मेरी वीडियोस को कोई उस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करे क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसीलिए उन्होंने स्नैपट्यूब को बैन कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्नैपट्यूब वाली एप्लीकेशन को अपलोड कर दिया था और वहां से कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। उसकी वजह हमको समझ आती है, लेकिन दोस्तों जीबी व्हाट्सएप की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। अच्छा, कहीं से आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसकी एपीके फाइल मिल जाती हैं। अब ये जुगाड़ सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, आईफोन्स के लिए जीबी व्हाट्सएप नहीं है। और हाँ, जब भी आप जीबी व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करोगे तो आपको वार्निंग साइन भी मिलेगा कि इट मे बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस। समझने वाली बात है, क्योंकि वहां से आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में बहुत सारे वायरसेस, मॉलवेयर्स वगैरह आ सकते हैं, इवन आते हैं। अच्छा, उसको आपने डाउनलोड कर लिया, इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ही गलत हो रहा है, तो देखो आपका डेटा कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब है चोरी हो सकता है या फिर होता है, यही मान लो। समझा देता हूँ, किसी के डिलीटेड मैसेजेस को आप देख सकते हैं, डिलीटेड स्टेटस को भी देख सकते हैं। कैसे? इसका मतलब जीबी व्हाट्सएप बैकअप लेता है, अपने सर्वर पे उस डेटा को स्टोर करता है, तभी तो डिलीट होने के बाद भी हमको दिखा देता है ना। चैट्स का और जो भी डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं आपस में, उसका भी बैकअप होगा, यानी कि कभी भी उसको लीक किया जा सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है, इवन मिसयूज किया जाता है।
जो एल्बम्स, किसी के प्राइवेट फोटोज़, वीडियोज़ हम लोग देख लेते हैं, कभी भी सर्कुलेट होते रहते हैं, यू नो सोशल मीडिया है, लेकिन दोस्तों वो आते कहाँ से हैं, कभी आपने सोचा है? हमको लगता है कि ऐसे ही कहीं से आ गए। ऐसी चीज़ हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है देखो, लेकिन उनको जानबूझ के लीक कोई नहीं करता, हर कोई इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, लेकिन किसी भी ऐसी अनट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करते हैं ना, तभी वो गड़बड़ होती है। पता नहीं हम लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों है, जब तक हमारे साथ या आसपास ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाता, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जहाँ पे GB व्हाट्सएप या फिर ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स का हाथ रहा है डेटा लीक करने में। मतलब उनको लीक करके किसी भी पोर्न वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है, बाद में वो चीज़ें पब्लिक हो जाती है और किसी की पर्सनल लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो दोस्तों मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि GB व्हाट्सएप को यूज़ करना या फिर ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करना सेफ नहीं है, ना मैंने इसको आज तक यूज़ किया है और ना ही कभी करूँगा। तो ये कंप्लीट सिनेरियो है GB व्हाट्सएप का, थर्ड एम्पायर का इशारा नहीं है। ध्यान रखना अपने डेटा के साथ, अगर आपको सिक्योर रहना है तो आप ओरिजिनल व्हाट्सएप का यूज़ करो, अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स, ऐसा सुनने में कूल लगता है लेकिन भाई आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाय द वे अगर आपने ओरिजिनल व्हाट्सएप के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं तो जल्दी ही मैंने अपलोड किया है अभी रिसेंटली, उसको भी आप देख सकते हैं, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और क्या व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल्स को करना सेफ है, क्या उनको ट्रैक किया जाता है ओरिजिनल व्हाट्सएप में, इस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। मैंने आपको इतना सब बताया, आप बदले में आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम यहाँ पे सर्वे करते हैं कि कमेंट्स में आप अभी कौन सा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, GB व्हाट्सएप या फिर ओरिजिनल व्हाट्सएप।